हेलो फ्रेंड्स, आदाब अर्ज़ है, सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। मैं सीना ट्रेडर्स वाराणसी से फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। आज वीडियो हमारा सीना की गोल अम्ब्रेला मशीन के ऊपर है, जो ग्रे कलर की है फ्रेंड्स। अब खुलिए मशीन। इससे पहले जो है हम लोगों ने जो है सीना का तो वीडियो बनाया हुआ है गोल मशीन पे, पर वो ब्लैक मशीन के ऊपर है, और स्क्वायर में तो हम लोगों ने पिंक पे भी बनाया हुआ है, ग्रे और ब्लैक पे बनाया हुआ है। आज जो हमारे पास सीना की अम्ब्रेला मशीन आई हुई है वो गोल मॉडल में ग्रे कलर की है। कस्टमर की बहुत ज़्यादा डिमांड कलर मशीन को लेकर के थी फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोगों ने अबकी बार चौकोर की जगह गोल में भी जो है कलरफुल मशीन मंगाई हुई है। सीना फ्रेंड जो ट्रेडमार्क है, ये हमारा खुद का ट्रेडमार्क है। हम लोग सीना की मशीनें 50-60 साल से बेच रहे हैं और काफ़ी पुराना ब्रांड है, बनारस में तो काफ़ी चलता है। ये मशीन हम लोग लुधियाना से जो है ऑर्डर दे करके बनवाते हैं, बेहतरीन क्वालिटी की मशीन बनवाया जाता है। बाकी आप इसको खुद मशीन देख करके डिसाइड करें आपको ये मशीन अच्छी लगी कैसी लगी। हर कंपनी, जितनी भी कंपनी की मशीनें हमारे यहाँ फ्रेंड्स बिकती है, हम सभी के ऊपर वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको जो भी अपने एरिया में जो भी कंपनी की मिले वो मशीन पसंद आए, आप तो अपने लोकल एरिया से वो मशीन को ख़रीद सकते हैं। हम लोगों ने उषा पे बनाया, पूनम में बनाया, सीना में बनाया है, तमाम कंपनियों के ऊपर बनाते रहते हैं हम लोग। तो ये मशीनें पूरी इसी तरह पैकिंग में आती है लुधियाना से, इतने अच्छे से आती है कि ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो मशीन के अंदर। अब तक जितनी भी अम्ब्रेला मशीनें गोल मॉडल में आई हैं फ्रेंड्स, इससे पहले सब ब्लैक कलर में ही आई है। पहली बार हम कलर में जो है गोल मॉडल मशीन मंगा रहे हैं। जो स्क्वायर मॉडल में कलर होते हैं उसी कलर को जो है गोल में भी कराए हैं फ्रेंड्स। एक अपना ग्रे आ रहा है और एक पिंक आया है, पिंक पे भी किसी दिन बनाएंगे। ग्रे कलर की मशीन होती है, इसमें ब्लैक कलर का ट्रांसफर लगा होता है, काफ़ी खूबसूरत लगेगी मशीन आपको। ठीक है, मशीन को सामने घुमाइए बल्लू भाई। काफ़ी शानदार कलर है फ्रेंड्स ग्रे कलर का, और मेटैलिक भी है ये, आप देखेंगे ना थोड़ा सा अंदर से ये चमकता हुआ रहेगा, तो ये मेटैलिक होता है, मेटैलिक मारा जाता है ताकि मशीन में शाइनिंग अच्छी आए। और लाइकर तो बहुत ज़बरदस्त डाले ही रहता है सीना की मशीनों में, तो मशीन एकदम शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगी। ये ग्रे और ब्लैक का टोन बहुत अच्छा लगेगा, ये जो ट्रांसफ़र आपका ब्लैक कलर के, बाकी सब पार्ट्स ब्लैक कलर के, मत्था इसमें जो दिया हुआ है सीना का, जो ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होता है मत्था, हैवी मत्था होता है, टेंशन भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये बुक्स निकाल दिए तो बुक को, इसको जो टूल बॉक्स खोल दीजिए, ये आपका जो है ये बुक होता है, तमाम तरह की चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, पढ़ता कोई नहीं है। ये आपका टूल बॉक्स है, अब की बार टूल बॉक्स भी हम लोगों ने अच्छा और बेहतर मंगाया हुआ है, कि रिंच के साथ ही कस्टमर को रिंच की ज़रूरत पड़ती है तो रिंच नहीं रहता है उसके अंदर। और ये निडल थ्रेडर है, सुई में धागा डालने वाला। ये आपकी कुप्पी है, और ये आपका इंच टेप है, और ये एक पतला पेचकस है बॉबिंग केस का, और ये एक बड़ा पेचकस दिया हुआ है शटल खोलने के लिए,
और ये बॉबिन इसमें दिया हुआ है और नीडल, ये सब हटा दिया हुआ डाल के। बाकी ये आपका, हाँ इसको हटा लीजिए तो घुटना आपको दिखा दीजिए। बाकी ब्रेक सेट होता है फ्रेंड्स, ये ज़रा खोल के दिखा दीजिए इसको भी। ये आपके जो है पौधान के मशीन में नीचे जो है कसा होता है, इसको आप राइट हैंड जब पुश करते हैं ब्रेक सेट को तो ये चापा अपने आप ऊपर उठता है। मैनुअली आपको हाथ लगा के उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें नीचे रहेगा, पैर से ऐसे करेंगे उड़ जाएगा। इस तरह से रहता है फ्रेंड्स ये, जैसे ये मशीन है ये नीचे ऐसे लगा रहेगा। अब आप देख लीजिए ये इसका काम होता है। ये जब आप राइट साइड मार पैर को पुश करेंगे तो चापा उड़ जाएगा। ये आपको घुटना मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा इसका घुटना का सेट है। इसको कैसे कसते हैं इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, और भी बहुत सारे वीडियो नेट पे हैं कि ब्रेक सेट कैसे कसते हैं। ठीक, हटा दी। जो ब्रेक सेट पे हम बनाए थे वो एम्ब्रॉयडरी मशीन का बनाए थे, अम्ब्रेला पे नहीं बनाए हुए हैं, अम्ब्रेला पे बहुत सारे वीडियो हैं। बाकी वारंटी से कोई मतलब नहीं है, कंपनी कोई वारंटी आपको नहीं देती है, हम लोग भी वारंटी जो एक साल अपने देते हैं तो अपने दुकान से देते हैं फ्रेंड्स। अगर ये मशीन हम किसी को अपने बनारस से दूर भेजते हैं तो ऐसी कंडीशन में कोई वारंटी नहीं मिलती। चक्का आप लगाइए, चक्का लग जाता है फ्रेंड्स, तब मैं इसके पूरे पार्ट्स आपको एक नज़र दिखाता हूँ। ये इसका रिवर्स होता है, इसको आप नीचे पुश करेंगे तो मशीन आपकी उल्टी भागेगी। जैसे घरेलू मशीन के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता है रिवर्स का, उसमें आप लीवर को नीचे खींचेंगे फिर ऊपर हाथ से उठाना पड़ेगा, पर इसमें क्या होता है बस आप ऐसे करके इसको छोड़ देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और फिर मशीन सीधी चलने लगेगी, और जैसे ही इसको आप ऐसे दबाएंगे तो मशीन उल्टी भागने लगेगी। तो यही इसका सिस्टम होता है फ्रेंड्स। चक्का लग जाता है तो इसकी आपको पूरी खूबसूरती एक बार में सब चीज़ समझ में आएगी, काफ़ी अच्छी लगेगी मशीन आपको। चक्का भी इसमें सीना का जो अम्ब्रेला में आता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, हैवी रहता है, बहुत पतला नहीं रहता है। बहुत सारी कम रेट की मशीनों में काफ़ी पतले चक्के रहते हैं। ये इसी तरह आपको इसके ऊपर ये स्टॉप मोशन कस देना है, वॉशर ऐसे ही लगा देना है, उसमें उल्टा नहीं रखना है आपको, एकदम सही तरीके से वॉशर रखना है और फिर उसके बाद स्टॉप मोशन को सही तरह से कस दीजिए। हाथ से तो कसना ही है लेकिन उसको हाथ से कसने के बाद थोड़ा सा आपको जो है दिखा दें, इसको थोड़ा सा आप इस डायरेक्शन में रख के किसी चीज़ से थोड़ा सा ठोक दीजिएगा तो ये घूम जाता है। देखिए ये बहुत टाइट हो जाएगा, फिर खुलेगा ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सब हो गया, मशीन का लुक हो गया, आगे से आपने देखा और बैक से भी आपने इसका लुक देखा। अब मैं आपको जो है इस मशीन के पार्ट्स को थोड़ा सा खोल के अंदर दिखाता हूँ। इंडिया गेट भी लग जाता है तो देख सकते हैं इंडिया गेट इसमें कैसा दिया हुआ है। देखिए ये इंडिया गेट पूरा स्टील का देता है, इसमें ये पूरा कंप्लीट स्टील है तो ये यहाँ से टूटता नहीं। कुछ मशीनों में ये ऊपर स्टील होता है पर नीचे कास्ट आयरन होता है तो यहाँ जड़ से टूट जाता है। लीजिए लगा दीजिए जल्दी, ऐसे करेंगे फिर छोड़ दिया आ जाएगा। इसका जरा मत्था खोलिए, पहले मत्था भी आप देखेंगे बहुत अच्छे क्वालिटी का, काफ़ी मोटा मत्था होता है, वज़नदार, काफ़ी भारी है ये होता है, फेस प्लेट के हिसाब से भारी होता है
और अंदर से आप इसके पार्ट्स वगैरह देखेंगे तो हाई टेम्पर्ड होते हैं, ये सब टेम्पर्ड पार्ट्स होते हैं, होते लोहे के ही हैं, पॉलिश इसी पे इसीलिए शो करती है, दिखलाने के लिए होता है कि भाई ये हाई टेम्पर्ड वाले पार्ट्स लगे हुए हैं। और इसमें जो सलाई दी हुई है फ्रेंड्स, आप इसको गौर करेंगे ना तो ये ऊपर से आप देखेंगे तो ये स्टील की सलाई होती है, जैसे जुकी मशीनों में दिया होता है। ये ऊपर से आप देखेंगे बीच से खाली रहेगी, और कुछ मशीनों में आप देखेंगे तो लोहे के, ज़्यादातर में लोहे ही रहती है, पर सीना के जो मशीन आती है इसमें हम लोग इसको स्टील लगवाते हैं। तो स्टील की ये अंदर से खाली होती है, ऊपर से आप एक दो बूंद तेल डालेंगे तो ये पूरी सलाई के अंदर छेद होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सलाई में अंदर से बीच से छेद होते हैं। तो जैसे ही ऊपर से आप तेल डालेंगे सब छेद में से हल्का हल्का तेल निकल करके पूरे पार्ट्स में अंदर अंदर लगा रहता है, तो जिससे लुब्रिकेशन रहता है, सामान जल्दी कटता नहीं। ऐसे सलाई में हम लोग आगे इसको लोहे का भी करा रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर है कहते हैं नहीं हमको स्टील वाला नहीं चाहिए, हमको लोहे वाला ही चाहिए, तो हम लोग आगे इसको हो सकता है लोहे का भी करा दें। तो हो सकता है आप कभी ख़रीदें तो लोहे का रहे, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, लोहे का भी लाइफ बहुत है, स्टील का भी बहुत लाइफ है, दोनों बहुत चलता है। इसमें आप देखेंगे इसके चापे, चापे भी आपके जैसे जुकी मशीनों में चापे होते हैं सेम वही क्वालिटी का चापा लगा होता है, और उसी तरह का ये प्लेट होता है, हाई टेम्पर्ड होता है फ्रेंड्स, ख़राब नहीं होता है, इसकी लाइफ बहुत है। अब प्लेट भी हाई टेम्पर्ड सब इसके दिया हुआ है निडिल वाला, फिर हम मशीन पलट दीजिए। तो इसका सीना के डबल लॉक की फिटिंग होती है, और सीना की बॉडी, सीना मशीन्स की एसएम की बॉडी रहती है सीना की। इसमें शटल जो होता है ये टीएल का शटल, मनोज जी इसको जो शटल का नाम बताइए तो एमजे, नहीं नहीं एमजे का, देखिए ये फ्रेंड्स लिखा हुआ है शटल, ये चाइनीज़ ही होता है एमजे का, एमजे का चलता है और मेसर का चलता है, टीएल का चलता है। आजकल ये सब शटल बहुत अच्छे चल रहे हैं, एक ज़माना होता था आरके बहुत ज़्यादा चलता था, पर ये सब शटल आजकल जो है आरके से ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, तो कस्टमर यही डिमांड कर रहे हैं और कंपनी भी इसी को लगा रही है। ठीक है, मशीन सीधी कर दी फ्रेंड्स, अच्छी मशीन है, अच्छा कलर है, इसीलिए हम लोग ने इस वीडियो को बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके एरिया में आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही हम लोग का वीडियो का बनाने का ऑब्जेक्ट रहता है, कि आप जहाँ से भी मशीन ख़रीदें अच्छी से अच्छी मशीन ख़रीदें, और उसमें थोड़ा सा हम लोग का भी एक उम्मीद होती है कि किसी को अगर और अच्छी मशीन की ज़रूरत है उनके एरिया में ना मिले तो वो हमसे भी ख़रीद लें, तो हम लोग कुरियर से मशीनें भेज देते हैं। पर फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखें कि हम लोग कोई आपको वारंटी नहीं दे सकते हैं, ये समझ के ही हम लोगों को आप कॉल करें या हम लोग से आप मशीन को ख़रीदें। जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है फ्रेंड्स, इस पर आपको कोई भी इंक्वायरी हो व्हाट्सएप करें, कॉल करेंगे तो फ़ोन नहीं उठेगा ज़्यादातर, लेकिन मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ, शुक्रिया।